हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूपीएससी पी नीति हम देख रहे हैं हमारी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 सीरीज और यह है आज का इसका पार्ट टेन जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से और पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यूरेशियन ऑटर तो ये जो यूरेशियन ऑटर है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है तो देखिए फर्स्ट क्या है इट इज नेटिव टू यूरेशिया ठीक है ये जो ऑटर है इट इज नेटिव टू यूरेशिया ठीक है देखिए दो दो बातें अलग अलग होती है नेटिव अलग होता है और एंडेमिक अलग होता है ठीक है तो यहाँ पे नेटिव कहा गया है एंड इट इज नेटिव टू यूरेशिया मीनस यूरोप एंड एशिया के लिए नेटिव है ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट इज इट इज वन ऑफ द रेरेस्ट इंडियन बर्ड ठीक है मतलब ये हमारे यहाँ यूरोप और एशिया में मिलता तो है लेकिन इंडिया में ये रेयरस्ट इंडियन बर्ड है ऐसा स्टेटमेंट है एंड थर्ड इज इट इज क्लासिफाइड एज नियर थ्रेटन अंडर आईयूसीएन ठीक है मतलब ये 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 जो है, जो जो यूरेशियन है है इसने इसको आईयूसीएन ने नियर थ्रेटन स्टेटस दिया गया है ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है तो इनमें से हमें कौन से करेक्ट है ये बताना है तो देखिए पे सबसे पहले ये 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 जो है ना बात इट इज नेटिव टू यूरेशिया तो ये बात इसके नाम से भी हम गेस कर सकते हैं कि ये बात सही है नेक्स्ट इज इट इज क्लासिफाइड एज नियर थ्रेटन ये बात भी सही है लेकिन यहां पे इसका सेकंड स्टेटमेंट जो ये रॉन्ग है क्योंकि ये जो है ना ये मैमल है बर्ड नहीं ठीक है अगर आपने इसके बारे में मतलब मतलब ये न्यूज में था अगर आपने इसके बारे में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन कोई पढ़ी होगी तो देखिए यूपीएससी ना हमेशा ऐसी मतलब यहाँ पे ऑप्शन में छोड़ देता है कि देखिए अगर आपको पता है कि इसका सेकंड मतलब ये बर्ड नहीं ये मैमल है अगर आपको ये पता है तो सेकंड इनकर सेकंड यहां से तीनों जगह से इनकरेक्ट हो गया हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाता है सी दैट इज वन एंड थ्री करेक्ट तो देख देख लेते हैं यूरेशियन ऑटर के बारे में देखिए यहां पे ये है यूरेशियन ऑटर सबसे पहले बात की ये एक सेमी एक्वेटिक एनिमल है मतलब ये थोड़ा एक्वेटिक और uh, मतलब थोड़ा जमीन पर ऐसे दोनों जगह पे रह सकता ये, है ये इट इज नॉन थ्रेटन है ये नॉट नियर थ्रेटन नॉट नहीं नियर थ्रेटन बाकी इसके बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं यूरेशियन ऑटर वे डिस्कवर्ड फ्रॉम सापुरा पुरा टाइगर रिजर्व एमपी एंड कान्हा पेंच रिजर्व ठीक है और इसी वजह से ये न्यूज में था क्योंकि ये हमारे यहाँ पे है ना मतलब इंडिया में इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू हिमालयस एंड इन सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट यहाँ पे ही ये रिस्ट्रिक्टेड है लेकिन ये पहली बार अभी के लिए ये एमपी और हमारा जो काना पेंच कॉरिडोर जो है यहाँ पे ये देखा गया था और इस वजह से न्यूज में था सो हमने इस पर क्वेश्चन एड कर दिया नेक्स्ट इज इट इज वन ऑफ द रेरेस्ट इंडियन मैमल ठीक है ये मैमल है बर्ड नहीं है इट इज क्लासिफाइड एज नियर थ्रेटन अंडर आईसी इट इज अ सेमी एक्वेटिक मैमल नेटिव टू दूरेशिया मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मेंबर ऑफ ऑटर में फैमिली है इसका ये सबसे ज्यादा बिखरा हुआ मतलब अलग अलग देशों में पाया जाने वाला एक मैमल है तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से हो गया होगा अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन टू हैव द हाइएस्ट नंबर ऑफ लीगल प्रोटेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क इन इंडिया मतलब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो हमें बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर करते हैं ऐसा ही क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछता है तो देखिए सबसे पहली बात पे क्या पूछा है हाईएस्ट नंबर ऑफ लीगल प्रोटेक्शन एंड स्ट्रांग लेजिसलेटिव फ्रेमवर्क इनमें से किसको दिया गया तो हम सबसे पहले हमें क्या सोचना पड़ेगा कि अगर फ्रेमवर्क है लीगल फ्रेमवर्क है तो मतलब क्यों होगा तो यहाँ पे एक तो एंडेमिक स्पीसीज होगी या फिर एक से ज्यादा स्पीसीज यहां पे पाई जाती होगी या फिर उसको वर्ल्ड हेरिटेज वगैरह ऐसे कुछ ना कुछ नेशनल इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंडर ये पाया जाता होगा तो ऐसी बातें होगी तो ही इसको लीगल और साथ ही साथ फ्रेमवर्क लीगल प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा ना ठीक है मतलब ये बातें हो सकती है इसके तहत ऐसा ये क्वेश्चन है तो अभी हमें बताना है कि इनमें से किसको सबसे ज्यादा लीगल फ्रेमवर्क जो है वो सबसे ज्यादा अच्छे नंबर में है तो देखिए ऑप्शन क्या दिए गए मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेक्स्ट इज काजीरंगा नेशनल पार्क आफ्टर दैट केवल देव नेशनल पार्क एंड लास्ट इज काना नेशनल पार्क तो मैं इसका आंसर देने से पहले आपको ये जो सभी जो नेशनल पार्क है ना इनके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा और स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्क से देखिए काना नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो सबसे पहले टाइगर रिजर्व है ये इंडिया का इट इज द लार्जेस्ट द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ लिए फेमस है बेंगल टाइगर और बियर, सिंगा और है और बाकी इसमें क्या इंपॉर्टेंट हैंगल बुक मतलब ये, हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ बाकी भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो यह बात भी एक देख ली अभी देखते केवल देव नेशनल पार्क के बारे में

कन्वेंशन तो ये बात भी है ये भी याद रखिए क्वेश्चन के आंसर तो हमें देखना है लेकिन जो हमारे बाकी जो ऑप्शन अच्छे से देख लेना है तो इसी वजह से हम ये आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आंसर तो देंगे ही हम देखिए नेक्स्ट हमारा बी ऑप्शन था काजीरंगा नेशनल पार्क उसके बारे में भी देख लेते ये कहाँ पे आसाम में एंड हमारे जो टू थर्ड जो वर्ल्ड के वन हॉर्न राइनो जो है ये यहाँ पे काजीरंगा में ही पाए जाते हैं और ये वर, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर अमंग द प्रोटेक्टेड एरियाज इन द वर्ल्ड तो कहाँ पे ये काजीरंगा में इसी वजह से इसको टाइगर रिजर्व ये भी मतलब डिक्लेयर कर दिया गया था टू में तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या क्या है वन हॉर्न टाइ रा रायनोजे ठीक है उसके साथ साथ टाइगर है टाइगर के साथ साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है इसकी वजह से इसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ एवी मतलब इससे भी ये रिकॉग्नाइज कर दिया जा चुका है ठीक है तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो गई साथ ही साथ ये हमारी जो ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी है इसका भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तो ये मतलब फर्स्ट डी और सी से ज्यादा काजीरंगा को है लेकिन काजीरंगा से भी ज्यादा जो है वो है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ठीक है वो भी देख लेते हैं मानस इट इज लोकेटेड इट इज लोकेटेड इन आसाम इट इज कंटिन्यूअस विद द रॉयल मानस नेशनल पार्क ऑफ भूटान ठीक है मतलब ये मानस जो है ये ट्रांस कॉन्टिनेट ट्रांसनेशन है मतलब दोनों देश में है हमारे हमारे और भूटान में और यहां से मानस रिवर जो है वो गुजरती है जो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है करेक्ट है ना नेक्स्ट इज इट हैज सिक्स नेशनल एंड इंटरनेशनल डेजिग्नेशन ठीक है ये जो हमने क्वेश्चन पूछा था वो इसी के बेस पे था सिक्स नेशनल और इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है देखिए कौन कौन से सबसे पहले ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व भी है बायोस्पियर रिजर्व है एलिफेंट रिजर्व है और एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है और इसी वजह से हमारा जो आंसर है इसका ये है

ये जो क्वेश्चन है ना लग सकता है कुछ लोगों को कुछ मतलब आ, हमने कुछ टेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया है लेकिन होते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन यूपीएससी में नेक्स्ट इज इट बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट सपोर्ट फ्रॉम बोथ मतलब नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट ये दोनों पे इसके बेनिफिट्स इसको मिलते हैं मानस को एंड इंपॉर्टेंट क्या है द साइट प्रोवाइड्स क्रिटिकल एंड वायबल हैबिटेट फॉर रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज और उसमें क्या क्या इंक्लूड है जिसको हैबिटेट प्रोवाइड करता है टाइगर्स को तो जैसा कि हमने देखा इट इज कम्स अंडर नेशनल टाइगर रिजर्व तो टाइगर्स को ये प्रोवाइड करता है नेक्स्ट इज ग्रेट वन हाइड राइनो स्वैम डियर्स पिग्मी हॉक्स एंड बेंगल फ्लोरिकन ठीक है तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री द यूनियन गवर्नमेंट इज वर्किंग टू डेवलप अ सूट ऑफ बिटी कॉटन जीन्स That कैन बी इंटीग्रेटेड इन टू ट्रेडिशनल वराइटीज एंड मेड अवेलेबल टू दी फार्मर्स मतलब जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट जो ये प्लान कर रहा है ऐसी बीटी कॉटन जीन्स डेवलप करने के लिए जो फार्मर्स को अवेलेबल की जाए और ये इंटीग्रेट इंटेग्रेत की जाए हमारे ट्रेडिशनल वराइटी के साथ इट वुड बी ज्वाइंट कोलेब्रेशन ऑफ मतलब ये जो बीटी कॉटन की जीन्स जो अच्छे नए से प्रोवाइड करनी है ये किसका कोलेब्रेशन होगा ज्वाइंट कोलेब्रेशन होगा ऐसे ही हमारा क्वेश्चन है देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या सी एस आर दट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रिसर्च नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लास्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो ये किन का ज्वाइंट वेंचर होने वाला है हमारे ऑप्शन है वन एंड टू दैट इज ये वन एंड थ्री नेक्स्ट इज टू एंड थ्री या फिर ऑल तो देखिए इसका जो आंसर है ये तो एग्रीकल्चर में यूज होगा लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत मतलब ये इसका कोलेब्रेशन नहीं है अभी के लिए इसका आंसर है वन एंड थ्री ठीक है मतलब ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बनाने वाला है और ये डिपार्टमेंट जो है बायोटेक्नोलॉजी ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के तहत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो है सीएसआईआर एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो आंसर है इसका बी दैट इज वन एंड थ्री करेक्ट तो देखिए यूनियन गवर्नमेंट इज वर्किंग टू डेवलप अ सूट ऑफ बीटी कॉटन जीन दैट कैन बी इंटीग्रेटेड इन ट्रेडिशनल वरायटी हमारी जो ट्रेडिशनल वरायटी जो है बीटी बि, कॉटन की इसके साथ ये इंटीग्रेट करना चाहते हैं एंड दैट वी मेड अवेलेबल टू दी फार्मर्स ये ज्वाइंट कोलाब्रेशन होगा सी एस आई आर दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट के तहत तो बीटी कॉटन के बारे में भी देख लेते बी कॉटन जो है यह सबसे पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम है दैट इज जीएमओ और ये ऐसी कॉटन की वरायटी है जो प्रोड्यूस करता ही करती है इंसेक्टिसाइड फॉर ठीक है जो है वो कॉटन को खराब कर देता था, था तो इसको ये बॉलवॉम को इंसेक्टिसाइड इसमें खुद से ही बीटी कॉटन में आ जाता है ठीक है इसका फुल फॉर्म क्या आई थिंक बैसिलस थिंकिस ऐसा कुछ तो इसका बीटी का फुल फॉर्म है अभी के लिए ये जो है ना बीटी कॉटन ये हमारा ऐसा एक इकलौता जीएम क्रॉप है जिसको लीगली अलाउ कर दिया गया है इंडिया में और ये जो बीटी कॉटन है ये प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है तो मॉनसेंटो इसके द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है और एक कुछ हमारे की फैक्ट्स भी देख लेते कॉटन के बारे में इंडिया हैज बिकम द नंबर वन इन ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन हम एक्सपोर्ट में दुनिया के सबसे ज्यादा कॉटन एक्सपोर्ट करने में नंबर वन हो गए और साथ ही साथ हम सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूसिंग भी कॉटन प्रोड्यूसिंग भी uh, है देश में स, लेकिन सेकंड नंबर पे ठीक है सबसे पहले हम एक्सपोर्ट में फर्स्ट नंबर पे है और प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है और साथ ही साथ ये भी यूपीएससी कभी कभी पूछ लेता है कि बीटी कॉटन जो है इसकी वैरायटी कौन कौन सी है तो देखिए कौन कौन सी वैरायटी है नेरमा 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 ठीक है 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 ये जो अगर पूछा जाए कि क्या है? तो यह बीटी कॉटन की एक वरायटी है और साथ ही साथ हाइब्रिड वरायटी है बीटी कॉटन की उसका नाम है एनएचएस फोर्टी ठीक है भी एक बीटी कॉटन का टाइप है और साथ ही साथ करंट की करंट के हिसाब से बीटी कॉटन के बारे में और एक न्यूज थी और वो क्या थी, तो देखिए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है पीए इसने रिसेंटली एक बीटी कॉटन की फर्स्ट डेवलप बीटी कॉटन की वराइटी बना बनाई गई है किसके द्वारा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा ये बनाई ये जो है हमारा

ठीक है और ये पे इसका कल्टीवेशन के लिए परमिशन अभी हो आ, मिल सकती है तो पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान ऐसे याद रखिए है, राइट हैंड प्लेयर ठीक मतलब है मतलब क्रिकेटर है ये बीटी कॉटन और ये राइट हैंड प्लेयर है राइट से आर से है राजस्थान हैंड से हरियाणा एंड प्लेयर्स है पंजाब एंड इट इज चीपर अल्टरनेटिव टू दी बीटी कॉटन हाइब्रिड सीट ठीक है ये जो बीटी कॉटन का हाइब्रिड सीट जो है इससे ये चीपर ऑप्शन हो सकता है हमारे फार्मर्स के लिए और ये ये जो है ये कहाँ पे अवेलेबल होने वाला है फिर से एक बार बता देते हुए पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान तो देखते हैं इसके बारे में मतलब जो हमारा जीएमओ जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड इसको कौन इसके बारे में का काम कौन करता है तो जो एक्ट है इसके बारे में वो है इंडिया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइन एक्स यूपीएससी ने ऐसे एक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछता रहता है और आई थिंक इस क्वेश्चन जो इसके क्वेश्चन इस एक्ट के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था तो फिर से एक बार देख लिया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत हमारे जीओ में जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप जो है वो इसको मतलब रेगुलेशन का काम करता है और जो हमारी मॉड जनरिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है इनका रिव्यू करने का काम कौन-कौन करता है तो वो वो भी देख लेते हैं इंस्टीट्यूशनल बायो सेफ्टी कमेटी ठीक है इंस्टीट्यूशनल बायो कमेटी साथ ही साथ रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन और तीसरा है जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी ये तीनों मिलके जो हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होते हैं हैं इनका रिव्यूइंग का काम करते और जो अपेक्स बॉडी है जो जीएमओ को मतलब परमिशन देती है वो है जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी ठीक है ये आते हैं सभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत और हमारे जो ऑफिशियल रिपोर्ट है जीएमओ के बारे में वो कौन कौन से ये बात भी देख लेते हैं अभी तक ऐसे चार ऑफिशियल रिप, रिपोर्ट पाए गए उनमें से सबसे पहला था जयराम रमेश रिपोर्ट इट वॉज अबाउट रिटी ब्रिंग

पहले तो क्वेश्चन भी बनाना है साथ ही साथ यहाँ पे जो बाकी फैक्ट जो होते हैं ना वो भी कवर करना है तो हमने कहा ना कि हम लोग तीन लोग काम करते हैं तो थोड़ा समय लगता है इस वजह से हम अभी के लिए तो पांच पांच ही क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं सो दैट क्वेश्चन भी हो जाए और जो बाकी जो इसके बारे में बाकी जो फैक्ट्स है वो भी हम आपको कवर कर ले तो देखते हैं का हमारा क्वेश्चन नंबर फोर क्लाइमेट्स क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू तो ये जो प्रोग्राम है ये किससे रिलेटेड है ऐसा हमारा क्वेश्चन है तो फर्स्ट ऑप्शन इज यू एन एफ ट्रिपल सी नेक्स्ट दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ठीक है नेक्स्ट इज डबलू एब्लू एम ओ दैट इज वर्ल्ड मेटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर दैट यू एन ईपी दट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड आफ्टर दैट एफ है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तो ये जो है प्रोग्राम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ये किससे रिलेट करता है तो इसका आंसर है डी दैट इज एफ ए से ये रिलेट करता है

एंड बिल्डिंग रिजिलियंस टू दी क्लाइमेट चेंज एंड आफ्टर दैट रिड्यूसिंग एंड और रिमूविंग द ग्रीन हाउस इमिशन ठीक है मतलब ग्रीन हाउस इमिशन को रिड्यूस करने का भी काम यह करने वाले तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा तो देखिए इस क्वेश्चन के क्वेश्चन में भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है तो क्वेश्चन जो है वो भी अच्छे से सुन लीजिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रिसेंटली प्रोवाइडेड अ स्पैट ऑफ क्लियरेंस अलाउविंग कलिंग ऑफ सेवरल स्पीसी इन डिफरेंट स्टेट ठीक है किसके द्वारा ये जो प्रोग्राम है वो मतलब प्रोग्राम मीन किसके द्वारा ये बनाया गया है तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा ये रिजल्ट दिया गया था मतलब ये क्लियरेंस दिया गया था और क्या काम है तो द स्टेट बोर्ड्स परमिटेड टू डिक्लेयर एनिमल्स दट वी आर कमिंग इन द कॉन्फ्लिक्ट विथ ह्यूम एज वर्मिंग ठीक है मतलब जो स्टेट बोर्ड जो है ये परमिशन दे सकेंगे जो ऐसे एनिमल्स है जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के साथ आते हैं ह्यूमन कॉन्फ्लिक में पाए जाते हैं उनको वर्मिंग करार देने का कौन दे सकता है स्टेट बोर्ड और कहा पे बिहार एचपी दैट इज हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड ठीक है तीन, तीन जगह पे बिहार हिमाचल प्रदेश एंड यूपी और इनको याद कैसे रखना है तो बिहू ऐसे याद रखिए बिहार एच एंड यूपी बिहू कौन से स्टेट का है आप हमें कमेंट्स में बताइए बिहू जो है ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन इससे आपकी रिविजन हो जाएगी बिहू तो देखिए ये जो वर्मिन है इसमें कौन ये जो रिसेंटली जो परमिशन दी गई है ना तो किस वर्मिन को इसमें ऐड नहीं कर दिया गया है ऐसा हमारा क्वेश्चन है तो देखिए ऑप्शन क्या दिए गए पिग्मी हॉग रेस मंकी नील वाइल्ड पिग्स ठीक है तो आपको आंसर देने से पहले मैं आपको इसकी इमेज बता देता हूं देखिए यहां पे इमेज हम देख लेते हैं यह है पिग्मी हॉग ठीक है बाद में यह है नील गाय है रेसस मंकी एंड आफ्टर दैट यह है जो हमारा वाइल्ड कौन क्या था वाइल्ड पिग्स ठीक है तो आप ये इमेज देखिए और बताइए कि इनमें से कौन है जिसको वर्मिंग का स्टेटस नहीं दिया जा सकता ये पिग्मी हॉग रेसस मंकी नील गाय या फिर वाइल्ड पिग्स ठीक है तो फिर से एक बार देख लीजिए और सोचिए मैं इसका अभी आपको आंसर बताता हूं यह है पिग्मी हॉग पिग्मी हॉग जो है ना ये एंडेंजर्ड स्पीसी है तो एंडेंजर्ड स्पीसी को क्यों एज ए वर्मिन मतलब वर्मिन करार देना मतलब क्या होता है तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से यह परमिशन मिलनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने अगर ये परमिशन दे दी तो स्टेट बोर्ड जो होते हैं ये किसी जो एनिमल होता है उसको वर्मिन करार दे सकते हैं और किसी एनिमल एनिमल को को अगर अगर वर्मिन का करार मिल गया तो तो साल के लिए उसको अगर मारा भी जाए उस को मार देगा कोई विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जेल एंड फाइन टर्म्स ठीक है मतलब जो अगर हमारे यहाँ पे कैसा है ना कि कोई प्राणी को हंटिंग करता है एनिमल की हंटिंग करता है तो जेल या फिर फाइन्स की प्रावधान कर दिए गए अभी मतलब ये आते तो है नहीं आप तो जानते हैं लोग प्राणियों को मार के भी छूट जाते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी तो इस वजह से ये होता तो है नहीं लेकिन फिर भी प्रावधान तो है लेकिन अगर किसी को वर्मिन का करार दे दिया तो एक साल के लिए उन वो जो है वो जेल से छूट सकते दे नेक्स्ट इज वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड बाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन ठीक है वाइल्ड एनिमल जो है वो हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट टू के साथ प्रोटेक्टेड है अंडर विच एनिमल्स एंड द बर्ड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेट्स टू फेस दम इन फोर स्केड्यूल्स ठीक है मतलब इसके तहत चार स्केड्यूल्स बनाए गए और पांचवा पांचवाड्यूल जो है वो होता है वर्मिंग्स का फर्स्ट शेड्यूल जो है ना इसमें सबसे एंडेंजर्ड जो लोग होते हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में रखे जाते हैं और फिर यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ऐसे इनको एंडेंजर्ड जो जो है वो कम होता जाता है ठीक है तो ऐसे हमारा टाइगर जो है वो फर्स्ट फर्स्ट शेड्यूल में है और बाद में जो जो है वो फोर्थ स्केड्यूल में आते हैं ठीक है तो फर्स्ट स्केड्यूल के एनिमल्स छोड़ के जो कोई भी सेकेंड थर्ड और फोर्थ शेड्यूल के जो कोई एनिमल या फिर बर्ड्स होते हैं अगर ये ह्यूमन वाइल्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के साथ आते हैं तो जो हमारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है वो इनको एज ए वर्मिन मिनिस्ट्री एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन पे इनको ये कर सकता है ठीक है अगर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्लियरेंस दे दिया तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड इनको वर्मिन अंडर स्केड्यूल फाइव डिक्लेयर कर सकता है और अगर ये डिक्लेयर हो गए तो एक साल के लिए अगर इन्हें कोई मारेगा भी तो इनको जेल टर्म नहीं मिल सकती ठीक है तो नील गायल्ड वाइल्ड पिग एंड रेसिस मंकी ये जो है आर अंडर टू एंड थ्री इस वजह से इनको अभी के लिए वर्मिन का करार जो है वो दे दिया गया है और बाकी इसके बारे में जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड था इसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स देख लेते द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ स्टेचुटरी एडवाइजरी बॉडी एडवाइजिंग गवर्नमेंट और ये एस्टेब्लिश कर दी गई थी 1962 में अंडर The अंडर द प्रीवेंशन ऑफ क्रुआलिटी टू एनिमल्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी ठीक है ये जो एक्ट है ये अच्छे से याद रखिए क्योंकि जल्दी कट्टू इशू की वजह से ये हो सकता है इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये जो बोर्ड है हमारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड इसके 28 मेंबर्स होते हैं जिनका कार्यकाल होता है तीन सालों का सबसे पहले जब ये 1962 में बनाया गया था तब यह था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर लेकिन बाद में नाइनटीन के बाद ये जो आ, ये जो बोर्ड है अभी आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फोरकास्ट के अंडर और यह काम क्या करता है तो रेज अवेरनेस ऑफ द वेरियस एनिमल्स एंड वेलफेर इशू इसका काम करता है ठीक है और बाकी क्या है? ये तो हमने उसकी जो वेबसाइट थी वही से ले लिया देखिए पे एक महात्मा गांधी जी का अच्छा कोर्ट था चाहे तो आप पढ़ लीजिए द ग्रेटनेस ऑफ नेशन एंड द मोरल प्रोग्रेस कैन बी जज बाय द वे इट्स एनिमल आर ट्रीटेड ठीक है मतलब एक देश का ग्रेटनेस कैसे, कैसे जज कर सकते तो वो वहां पे उनके जो एनिमल्स है उनको कैसे ट्रीट करते दे? तो देखिए रिसेंटली कुछ ऐसे फेसबुक पे ना वीडियोस आते थे, थे जो ऐसे डायरेक्टली किसी छोटे पपी को कुत्ते के बच्चे को ऐसे डायरेक्टली आग में फेंक रहा है या फिर गधे को उठा के ऐसे पानी में फेंक रहे तो अच्छी अच्छी बात नहीं है ना ये हमारी ड्यूटी में भी आता है ठीक है फंडामेंटल ड्यूटीज का भी एक पार्ट है तो बताइए ये कौन सी ड्यूटी है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना आर्टिकल नंबर जो है आपको पता होगा तो कमेंट्स में मैंशन कीजिए तो ये हमारा एनवायरमेंट का वीडियो था एक्सप्लेनेशन ज्यादा था इस वजह से ये वीडियो मतलब पांच ही क्वेश्चन थे लेकिन बीस मिनट का बन गया हम आगे से मतलब और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट